मेरा नाम है दीप्तनु, आप सभी देख रहे हो मेरी चैनल दीप्तनु शील को। तो अभी जो आप लोगों के सामने पेज है, इस पेज के ओनर का इशू है कि पेज पे मोनेटाइजेशन को रिस्ट्रिक्ट कर दिया है फेसबुक ने, और इसका जो रीजन है वो बहुत ही अलग है। मैक्सिमम केसेस पे ऐसा रीजन नहीं होता है, ये एक ऑलमोस्ट पॉलिटिकल पेज है और मैक्सिमम पॉलिटिकल पेज पे ही ऐसा इशू आने का चांसेस रहता है। तो सबसे पहले जो मैं चेक करता हूँ कि पेज का फॉलोअर कितना है, यहाँ पे आप देख सकते हो 170K, मतलब 170,000 फॉलोअर इस पेज का है, और पोस्ट वीकली रीच जो है वो 2.5 मिलियन था, मगर अब घट गया है। ये भी एक इशू है इस पेज के ऑनर का कि रीच कम हो गया है। सर अब मैं क्या करूं, कैसे ये इशू से मुक्ति पाऊं? तो सबसे पहले हम जाएंगे क्रिएटर स्टूडियो के अंदर और देखेंगे मोनेटाइजेशन पे क्या हुआ है। तो जैसे ही मोनेटाइजेशन पे क्लिक किया, आप देख सकते हो स्टेटस जो है, जैसे कि पेज के ऑनर ने बताया, रेस्ट्रिक्ट कर दिया है मोनेटाइजेशन को। तो फेसबुक ने मोनेटाइजेशन को रेस्ट्रिक्ट कर दिया है, और उसका रीजन क्या है पॉलिसी इशू पे जाने के बाद आपको जानने के लिए मिलेगा। तो सबसे पहला पॉलिसी इशू जो है, ये मैक्सिमम पॉलिटिकल पेजों में ही आता है। मैं इसीलिए बार बार रिपीट करके कहता हूं कि पॉलिटिकल पेज मुश्किल से ही चल पाता है फेसबुक पे एज ए ग्रीन। वो पहले मोनेटाइज होता है और उसके बाद कम्युनिटी स्टैंडर्ड का वायोलेशन आ ही जाता है, क्योंकि पॉलिटिकल पेजों में अगर कंटेंट डुप्लीकेट होता है, कंटेंट में हेट स्पीच होता है, मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन होता है, तो ज्यादा चांसेस होता है। उनमें से ही एक या इस पेज पे आया है हेट स्पीच, मतलब आप लोग अगर हेट फैलाओगे फेसबुक प्लेटफॉर्म पे इन सारे पेजों के थ्रू, जो भी पॉलिटिकल पेजेस होते हैं, या फिर आप पॉलिटिकल से रिलेटेड पेजेस होते हैं ये भी कह सकते हो, तो उन पेजों पे ज्यादातर ये सब आता है, हेट स्पीच का पॉलिसी इशू आता है, नहीं तो मिसलीडिंग कंटेंट का आता है, नहीं तो फॉल्स न्यूज का आता है। तो उनमें से ही एक आया है इस पेज पे हेट स्पीच, और उसी के साथ जो आता है डुप्लीकेट कंटेंट का, वो भी इस पेज पे है, आप देख सकते हो। लिमिटेड ओरिजिनलिटी ऑफ कंटेंट, मतलब इस पेज का ओनर ने अनओरिजिनल डुप्लीकेट रीपर्पस रीयूज कंटेंट को भर भर के पेज पे यूज किया है, और कम्युनिटी स्टैंडर्ड का तो उल्लंघन किया ही है। तो अब ये पेज 100% रिस्ट्रिक्ट हो गया है, फेसबुक ने मोनेटाइजेशन को पूरी तरीके से बंद कर दिया है। अगर हम लोग इस पेज के ओवरव्यू पे थोड़ा सा नीचे जाके देखेंगे तो आप देख सकते हो अभी इन स्ट्रीम एट का जो मैट्रिक्स है सारे 0-0 हो चुका है। ये इस वजह से हुआ है क्योंकि इन्होंने एकदम बैंड लगा दिया है मोनेटाइजेशन पे। अब बात करेंगे कि इस पेज का जो ये रेस्ट्रिक्शन आया है, इसके ऊपर भी इफेक्ट जो हुआ है पेज पे, वो है इस पेज का जो रीच है, नॉर्मल रीच है, 170,000 वाला पेज का जो रीच होना चाहिए उससे काफी कम हो गया है, जिसको लेके भी इस पेज का ऑनर बहुत ही ज्यादा टेंशन में है। अब देख सकते हो एक ही शेयर मिला है, एंगेजमेंट 44 है और रीच 776 है, और पेज का फॉलोअर है 170,000, जबकि ये पेज पहले 50,000 से 60,000 मतलब रीच चला जाता था एक घंटे दो घंटे में, उस पेज का आज ये हालत हो गया है। क्यों हुआ है? क्योंकि पेज का पेज क्वालिटी खराब हो गया है, पेज का क्वालिटी पे हेट स्पीच का रेस्ट्रिक्शन आया हुआ है, आप देख सकते हो हेट स्पीच के वजह से वायोलेशन आया हुआ है, और उसी के साथ पेज पे डुप्लीकेट कंटेंट है, लिमिटेड ओरिजिनलिटी ऑफ कंटेंट है। तो फेसबुक का जो एल्गोरिदम है उसको फेसबुक ने ऐसे बना के रखे है कि जैसे आप लोग, मान लो आपने कोई भी मिस्टेक किया पॉलिसी के अगेंस्ट जाके, या पेज पे कोई वायोलेशन कर दिया है, जो कि इस पेज के केस पे है रेस्ट्रिक्टेड मोनेटाइजेशन हुआ है, तो वो वायोलेशन क्या है, वो पॉलिसी इशू क्या है, एक तो कम्युनिटी स्टैंडर्ड है जिसके वजह से पेज पे स्ट्राइक लगा है, पेज क्वालिटी पे, उसके ऊपर लिमिटेड ओरिजिनलिटी ऑफ कंटेंट मतलब डुप्लीकेट कंटेंट। तो इस पेज पे मैक्सिमम कंटेंट का वही हाल है, कहीं से उठा के इस पेज पे डाला गया कंटेंट है, तो सारे के सारे कंटेंट जो है वो लिमिटेड ओरिजिनलिटी ऑफ कंटेंट है, उसके ऊपर से ऐसा कंटेंट भी डाला गया है जो कि हेट को बढ़ावा देता है, हेट स्पीच है, तो उस वजह से कंटेंट में कम्युनिटी गाइडलाइन का भी इशू लग गया है। अब बात करेंगे ये जो दो इशू हुआ है, पहले तो मोनेटाइजेशन को रद्द कर दिया है, बंद कर दिया है, और उसके ऊपर से पेज का रीच भी घट गया है। अब ये दोनों इशू का सलूशन क्या हो सकता है, एज ए क्रिएटर हम क्या करें पेज पे
ताकि ये जो इशू है ये दोनों के दोनों हट जाए, एक तो रिस्ट्रिक्शन भी हट जाए और दूसरा पेज पे जो रीच कम हो गया है वो भी हट जाए। तो ये दोनों चीज को हटाने के लिए इस पेज के ऑनर को अपने पेज से सारे लिमिटेड ओरिजिनलिटी ऑफ कंटेंट, मतलब जो भी कंटेंट खुद का नहीं है, तो मैं अगर इस पेज का एग्जांपल लूंगा तो इस पेज का 100% कंटेंट को डिलीट करना पड़ेगा, एक भी कंटेंट रहना नहीं चाहिए, क्योंकि हर एक कंटेंट कहीं ना कहीं से उठा के डाला गया कंटेंट है, इस पेज के ऑनर के द्वारा क्रिएट किया गया एक भी कंटेंट नहीं है। तब रेस्ट्रिक्शन हटाने का, लिमिटेड ओरिजिनलिटी ऑफ कंटेंट हटाने का, ये सारे पॉलिसी वायोलेशन को हटाने का एकमात्र उपाय है, वो है आप सारे कंटेंट को इधर से सिलेक्ट मारो और फिर डिलीट कर दो। अगर सारे कंटेंट को डिलीट कर दोगेगा और उसके बाद डिलीट करने के बाद ओरिजिनल कंटेंट खुद के द्वारा बना के इस पेज पे अपलोड किया जाएगा रेगुलर बेसिस पे आने वाले 30-40 डेज तक, तो ही जाके एक चांस होगा कि इस पेज का जो रेस्ट्रिक्शन है वो हट जाए और पेज जो है फिर से मोनेटाइज हो जाए और उसी के साथ पेज का जो रीच कम हुआ है वो भी सुधार हो जाए। बाकी कोई शॉर्टकट नहीं है इस पेज का जो भी पॉलिसी इशू हुआ है उसको हटाने का। जो मैंने बोला वो अगर इस पेज का ऑनर कंप्लीटली फॉलो करेगा तो आने वाले समय पे ये पेज जो है ये अब रेस्ट्रिक्शन से हटके एट रिक्स होगा और उसके बाद ग्रीन भी हो सकता है। और पेज क्वालिटी पे जो भी इशू आया है वो तो नहीं हटेगा, वो तो पूरे जिंदगी भर रहेगा, वो हेट स्पीच वाला जो स्ट्राइक लगा है, मगर जरूर इस पेज का जो पेज पॉलिसी पे अभी इशू देख रहे हो, ये कम्युनिटी स्टैंडर्ड, उसके बाद लिमिटेड ओरिजिनलिटी ऑफ कंटेंट और फिर एक कम्युनिटी स्टैंडर्ड, ये सब कुछ हट जाएगा इस पेज से धीरे धीरे और रीच भी धीरे धीरे बढ़ेगा, एक ही दिन में नहीं बढ़ेगा, क्योंकि ये सारे मिस्टेक जो हुआ है वो एक दिन में नहीं हुआ है, बहुत दिनों के गलती की फल है। तो इसको ठीक होने में टाइम जरूर लगेगा मगर ठीक होगा। अब बात करता हूं यहाँ पे एक रिक्वेस्ट अनदर रिव्यू करके ऑप्शन रहता है, तो क्या हमें हमारे पेज से सारे कंटेंट को डिलीट करके तुरंत ये रिक्वेस्ट अनदर रिव्यू पे अप्लाई कर देना है? बिल्कुल भी नहीं करना है। रिक्वेस्ट अनदर रिव्यू करने से फेसबुक का टीम आके आपके पेज को रिव्यू करके ठीक नहीं करेगा, वो लोग सिर्फ देखेगा कि आपके पेज पे जिस वजह से कम्युनिटी स्टैंडर्ड का उल्लंघन हुआ है, जिस वजह से लिमिटेड ओरिजिनलिटी ऑफ कंटेंट आया है और जिस वजह से कम्युनिटी स्टैंडर्ड खराब हुआ है, वो सब कुछ पेज पे बराबर से ठीक हुआ कि नहीं हुआ। अब इस पेज का ओनर ओरिजिनल कंटेंट जो फेसबुक एडवर्टाइजर फ्रेंडली है, पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी फ्रेंडली है, वो सब डाल रहा है कि नहीं डाल रहा है? अगर डाल रहा है तो ही फेसबुक का जो एल्गोरिदम है वो आपके पेज को रेस्ट्रिक्शन को हटाएगा। तो बेहतर होगा 30-40 दिन तक सिर्फ और सिर्फ ओरिजिनल कंटेंट पेज पे डालते रहिए, उसके बावजूद भी अगर ठीक नहीं होता है तो फाइनली जाके रिक्वेस्ट अनदर रिव्यू पे क्लिक करके पार्टनर ऑप्शन को सिलेक्ट करना है इस फॉर्म में, और उसके बाद आपको आपका लिंक जो है पेज का वो ऐड करना है, यहाँ से पार्टनर को सिलेक्ट करना है, यहाँ पे आपका पेज का लिंक देना है और जो मिस्टेक हट नहीं रहा है इतना सारा मेहनत करने के बावजूद भी उसका पूरा एक स्क्रीनशॉट उठाना है और फिर यहाँ पे चूज ए फाइल पे अपलोड करके आपको सेंड करना है। मगर ये तभी करना है जब आप 100% श्योर हो जाओ कि आपके पेज पे अभी कोई भी गलती आपके ओर से नहीं है और उसी के साथ आपके पेज पे 30-40 दिन तक आपने भर भर के ओरिजिनल कंटेंट डाल चुके हो। अगर ये प्रैक्टिस आप करोगे तो ये पेज भी आगे जाके 100% मोनेटाइज हो सकता है। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया है, अगर लगता है कि इस वीडियो से आप लोगों को कुछ वैल्यू मिला है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना। कोई भी दोस्त मेरे चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को दबा लेना ताकि आने वाले टाइम पे ऐसी वीडियो आपको सबसे पहले मिलता रहे। आज के इस वीडियो पे इतना ही दोस्तों, तब तक आप लोग खुश रहो, आबाद रहो, मम्मी पापा का नाम करो दोस्तों, बाय।